जगाना है, आप सब लोग भी आ जाइए। हमने तय किया उसी सलोनी डेलीगेसी के दुर्गा पूजा पार्क में बैठक बुलाए थे, संवाद में छात्रों ने तय किया कि सोई हुई सरकार को जगाना है, और इसके लिए जरूरी है कि हम जो लोग सोते रहते हैं वो खुद पहले जागे। तय किया गया, तय करने के असर हुआ, 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री ने बड़ा फरमान जारी कर दिया। हर चीज जो भी सरकार में ऐतिहासिक होती है, कह दिया कि इस बार ईमानदारी से बोला जा रहा है, सारे रिक्त पदों को भर लिया जाएगा चुनाव आचार संहिता के पहले। हमने कहा इसका रोड मैप क्या है, साल भर से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, आपका आयोग गठन नहीं हो रहा है, क्यों पंडित है, अधिवेशन होने जा रहा है संसद का, उसमें कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी दो शब्द तो बोलेंगे, लेकिन वो अपने मन की बात रेडियो में भी बोलते हैं, संसद में भी अपने मन की बात बोलते हैं। ये करोड़ों युवाओं की जो भावनाएं हैं उससे कोई लेना देना, एक महीने के अंदर सारे रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया जाए, किसी भी भर्ती को हो, जितने भी रिक्त पद है एक महीने के अंदर विज्ञापन जारी किया जाए, और 4 महीने 5 महीने के अंदर परीक्षाएं आयोजित कर ली जाए। बिहार में भी हो सकती है, 3 महीने में बिहार में प्रक्रिया पूरी होने जा रही है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता है, चुनाव 2 महीने में पूरा हो सकता है, भर्ती परीक्षाएं पूरी क्यों नहीं हो सकती है। ये झूठा बयान है, 10-10 साल भर्तियां रुकी रहती है। इसलिए दोस्तों बहुत अनुरोध, संपत्ति क्षति नहीं करता है, यह सरकार बदलने में विश्वास रखता है, इसका विश्वास इनको अवकाश पिलाने में है। चाहे राजीव गांधी के खिलाफ आंदोलन बीपीसी करा हो, या कोई भी आंदोलन रहा हो, या अखिलेश यादव की सरकार रही हो, उसके खिलाफ अगर बदलाव में रोल लिया तो युवाओं ने लिया। और योगी जी मोदी जी सुन लीजिए, ये पार्टी गधा नहीं, ये युवा नहीं है, ये पार्टियों में जातियों में बटा हुआ नहीं है, ये युवा बदलाव में विश्वास रखता है। अगर आपने अब और ज्यादा मूर्ख बनाने की, गुमराह करने की कोशिश की, तो 24 का रास्ता आपका ब्लॉक हो जाएगा, आप भी मुख्यमंत्री से बाहर हो जाएंगे, आपका हाबिश बदल जाएगा, मोदी जी तो बाहर होंगे ही। इसलिए अगर कुछ भी बचा है तो आप TGT PGT का जो 25,000 पद माने गए हैं विधानसभा में, तत्काल उनको जोड़ा जाए, और जोड़ करके परीक्षा तिथि घोषित की जाए, नया आयोग बनाया जाए, और उसके माध्यम से चीजें आगे बढ़ाई जाए। लेकिन झूठी बयानबाजी मत करिए, निवेदन है हमारा मुख्यमंत्री योगी जी से, प्रदेश के आप मुखिया है, प्रधानमंत्री से निवेदन है, आप झूठे बयानबाजी मत करिए, ये शोभा नहीं देता है। पढ़ा लिखा नौजवान है, कितने दिन एक बार विश्वास कर लेगा कि आप संवैधानिक पद पर आसीन है, 2 बार विश्वास कर लेगा, लेकिन जब उसे यकीन हो जाएगा दिया आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अनुरोध है कि युवाओं को मजबूर मत करिए, युवा बहुत हताशा निराशा में है, अगर उसने यह तय कर लिया कि अब हताशा निराशा की बात नहीं है, अब आपकी बारी है, अब हम लोग स्टीयरिंग में बैठेंगे और नया रास्ता, नया हिंदुस्तान बनाने के लिए आगे आएंगे, तो आपका यह जो गुमराह करने वाला खेल है, ये जो मंदिर मस्जिद का खेल है, ये जो समाज को विभाजन करने का खेल है, ये सब एक तरफ हो जाएगा और राष्ट्रीय मुद्दा रोजगार का सवाल बन जाएगा। हमने इंडिया गठबंधन के गलों से भी लेटर लिखा है, और मुझे ताज्जुब है कि विधान लोकसभा में उन्होंने नहीं उठाया, हमने दोबारा अनुरोध किया है, लेटर लिख रहे हैं कि कम से कम आप लोग रोजगार के सवाल पर बोलिए, आप सब आइए गांधी जयंती के मौके पर, गांधी एक युग पुरुष रहे हैं भारतीय राजनीति में, आइए गांधी जयंती के मौके पर, और 5 घंटे का समय दीजिए, लखनऊ और दिल्ली तक आवाज जाएगी, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, और विभिन्न संगठनों के लोग हमारे समर्थन में वहाँ रहेंगे, बार एसोसिएशन से लेकर के, व्यापारियों से लेकर के, नागरिक समाज के लोग, शिक्षक से लेकर के, सारे लोग उसमें रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपील है 2 अक्टूबर को भारी से भारी संख्या में सलोनी गोविंदपुर से, पूरे इलाहाबाद से आना चाहिए, 1 दिन का समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद।